गाइस आते साथी आयशा की घर की साफ सफाई चालू। थैंक यू सो मच। ओ भाभी ओ। इस घर में जब बहू आई है तो बहू ने कुछ बताई है। मम्मी क्या बोली है? सो हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक और हम हैं फोकस। सो गाइस आज हम लोग एक एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ। तो गाइस आज सुबह सुबह कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ जो कि होना जरूरी था। मेरी तबीयत एकदम चंगी भली हो गई है गाइस। देखो ये काली वीडियो आ रही थी इसलिए वापिस आ गया। तो गाइज आज आयशा ने मुझे सरप्राइज दिया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को अंदर से एक फीलिंग आ रही थी कि भाभी आएगा क्योंकि तेरी तबीयत खराब है। हाँ, तो वो उसी रात में ही मतलब आने वाली थी लेकिन फिर मैं बोला नहीं 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 नहीं, आना आराम से, तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी तब। लेकिन वो दूसरे दिन ही आ गई। सरप्राइज। तो गाइज बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अभी मेरे को आप लोगों को क्लिप दिखाता हूँ। जिशान भी एकदम सरप्राइज हो गया था। देखे बोला ये कब आ गए भाभी, तुम कब आ गए? देखो हेलो। तो गाइज अभी मेरे को है ना भाभी का कॉल आया और भाभी आ रहे हैं क्योंकि भाई की तबीयत खराब है और भाई बाहर सो रहा है, भाई को पता नहीं और भाई के लिए सरप्राइज है। चलो अभी भाभी आ रहे, बस उनको लेकर आने का। तो मम्मी अभी भाभी के साथ ही रही है क्योंकि मम्मी को कॉल आ गया था, वो नीचे ही है। तो रेडी है ना अभी? भाई तो मस्त सो रहे हैं वहाँ पे। चलो आते हैं, इंतजार करते हैं। मम्मी लगता है आ रहे भाभी। अस्सलाम वालेकुम। तबीयत अच्छी नहीं है। आ गए है भाभी। ओ मी भाई को सरप्राइज मिलेगा। सरप्राइज। आओ। अभी तुम आए हो इतनी मेहनत करके, तुम उठा भी दो मेरे को थोड़ी मेहनत। लेट हो गया। चेंज कर दो। गाइस मेरे को समझ में नहीं आ रहा लोग लाइटें क्यों खोल देते हैं जब इतनी ज़्यादा धूप आती है घर में। तो वैसे अभी आयशा वो हाइफा ने वो लेकर आई थी, वो उसके लिए आयशा के लिए कुछ वो ढिल्ला ढिल्ला वाला क्या रहता है अबाया जैसा, वो लेकर आई थी। तो अभी आयशा वो पहन रही है, मैं भी जाके फ्रेश फ्रेश हो जाता हूँ। नमाज पढ़ते गाइस आते साथ ही आयशा की घर की साफ सफाई चालू। पूरा साफ करी। चलो बेबा मैं भी जा रहा हूँ रेडी होने। ठीक है तुम दिखाओ तो कैसा दिख रहा है फेस पे हाथ रख के। वाइस मस्त दिख रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, ये कंफर्टेबल है। चलो सही। तो वाइस अभी मैं फ्रेश होके बाहर निकला हूँ तो मुझे एक बहुत ही प्यारा चीज देखने मिली है। चलो आप लोग वो दिखाते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ मेरे लिए दुआ मांगी जा रही है। आए है मैं और मेरे सुहाने सपने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गाइस वो इतना अच्छा फील हो रहा है। एक तरफ आयशा कुरान शरीफ पढ़ रही है, दूसरा मम्मी नमाज पढ़ रही है। मैंने अभी अभी नमाज पढ़ के उठी हूँ। मैं भी तो घर में जब औरतें लोग मतलब मेरी बहन लोग भी जब इबादत करते थे देख के ना एकदम ऐसे सुकून वाली फीलिंग आती है। मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बीवी।
बस पढ़ ले लोगों, फिर देखते लोग करते क्या। तुम्हें वो कितना पारा हुआ आपका? पहला पारा हो गया। तुम फेस नहीं दिखा सकते, ऐसे तो रह सकते ना। आज दिखाओ ना। एक पारा कंप्लीट, मुकम्मल। अभी बाकी सेकंड। ठीक है, तो आज पारे पका के क्या खिलाने वाले हो? क्या भूत बन रहे हो? चलो ठीक है, बोल थोड़ी देर में बता देगा आप लोगों। तुम पढ़ लो कुरान। गाइस घर तो पूरा एकदम क्लीन एंड ड्राई हो गया गाइस, एकदम साफ सुथरा मस्त दिख रहा है। आप लोगों को घर का एक व्यू दिखाता हूँ, आयशा ने कितना कुछ कर लिया है। बाप रे बबो वो किचन फुल हॉल साफ, इतने साफ सफाई कर रही है, क्या हो गया उसको? वो अपना घर मानते तो फिर साफ सफाई कर देते, और मम्मी इग्नोर कर रहे थे, रोक रहे थे, लेकिन रूल सुने ही नहीं हो। ये जो आयशा का कपड़ा है ना, मेरे को ऐसा देख के लग रहा है ये ना वो कोई मिल गया वाला जादू है ना, वो पहन के कोई खड़ा हुआ ऐसे रे। लेकिन अच्छा दिख रहा है वो, माशाल्लाह। आयफा थैंक यू, लेकिन तूने मेरे से पूरा पैसा लिया। मम्मी आप क्या टहले जा रहे हैं मम्मी? अच्छा अच्छा, बिलाल नमाज पढ़ रहे हैं क्या? थैंक यू सो मच आने के लिए, बहुत अच्छा लगा, एकदम तबीयत मेरी फिट एंड फाइन हो गई है। बहुत बहुत खुशी हुई तुमको देख के, आए तुम इतना प्यार करते हो, थैंक यू। और सब एक बार में तुम तुम्हें मालूम, तुम मतलब घर में उदापी रहती थी तो क्या करती थी? जो तुम कर रहे हो वही, क्या यानी मतलब ये है क्या, तो कुछ ना कुछ पकाती थी। अभी तुम कुछ पकाने ही वाले रहोगे इफ्तार में, तो क्या पकाने वाले हो? ठीक है वो छोड़ो, वो बाद में पता नहीं। और फिर नमाज पढ़ते, कुरान पढ़ती थी उदापी भी, तो उदापी की कमी भी पूरी करे। और तुम ख्याल थोड़ा ज़्यादा रख रहे हो उदापी, नो ऑफेंस बट दैट इट्स ट्रू। आयशा मेरे को एक बात बोलने का था, मेरी ना पीठ दुख रही है, खड़े हो गए क्या मेरी पीठ पे? You have to stand. मैं बोल रहा हूँ खड़े हो। पीठ दुख रही तो तुम सर क्यों दबाने लगे? जोर से करो, हाथ में जान नहीं है। तो भाई जिशान बस आ ही रहा है, फोन किया था, वो आज थोड़ा लेट उठा है। बच्ची फुल आतंक, आ अंदर आ, तेरे भाई एंट्री ले रहे हैं। हाँ हाँ, तू चल गया ना अच्छे से? अबे अच्छे से चल गया, चल अबे अबे रुक और गंदा चल। चल जल्दी अंदर आ। ओ भाभी ओ। हाँ वही तो, आज मैं भी सरप्राइज ही हो गया था एकदम देख के। तंदुरुस्ती के साथ कैमरा लेके खड़ा कैसे? मम्मी भी, मम्मी के चेहरे पे खुशी तो देख। प्यार दिखा दो अपना वाला प्यार मम्मी। हाँ मम्मी, आपने आयशा को प्यार नहीं दिखाया अभी तक, एक बार हम लोग को जैसा, हम लोग को जैसा प्यार दिखा दे एक बार। इधर उधर गाल वाला, गाल वाला, गाल वाला। ये बहुत प्यार से मम्मी ने किया, मम्मी ऐसे निचोड़ देते और बिल्ली लोग को तो ऐसा घस देते मम्मी ऐसा ऐसा करके। इस घर में जब बहू आई है तो बहू ने कुछ बताई है, मम्मी क्या बोली है? नुकसान घर में किस किस चीज की कमी है? कमी है तो वही जा रहे हैं अभी पूरी करने, डिमांड। तो क्या लेंगे वहाँ से? वहाँ देखेंगे। एक ही चीज पता चली है मेरे को, कुकर लेने गए। हाँ और भी बहुत सारी चीजें जो घर में चीजों की कमी है, वो आयशा ने अभी अभी जब अंदर किचन में खड़ी हुई वो सब बताई। क्या हुआ बाबा? कुकर लेना है। चलो ठीक है, कुकर के साथ यहाँ नहीं बताओ, वहाँ लेके बताओ। मम्मी बोले कि एक साथ जो दिखेगा ना सब ले लेंगे। आप बताएंगे तो अपने लेके नहीं जाएगा सब। जो चीज आप बताएंगे वही चीज लेकर आ जाएगा, फिर मम्मी को कुछ मिलेगा नहीं। बाकी पुप्पी बोलिए रुक। तो अभी तुम लोग वो, मैंने चिकन बाहर निकाल के रखा, मैं पानी में डाल दी, पानी में डाल दी ना। हाँ मेरा शेर कितना कामती है ना मम्मी। मैं बोल रहा हूँ भाभी से काम नहीं करवाना,
हमेशा जैसे तुम लोग बनाते खाली तुम लोग दोनों मम्मी और तू वैसे ही तुम लोग ही करने। देखो भाभी के हाथ का खाना नहीं खाने का, लेकिन भाई अभी पहली बार कैसा है, कैसा आ रही है, इट्स नॉट, हमको तो खाना है भाभी का। वो भाभी आज क्या बना रहे हैं? स्पेशल मम्मी बोलते नहीं चिकन चिकन था ना आज। जिशान भाई आपके लिए सिर्फ डाइट तोड़ देगा। चलो निकलते। अबे जिशान बहुत दिन से अपनी धन्नो खड़ी हुई थी। हाँ रात के एक दिन पहले निकाले थे और आज निकाल रहे, सात दिन हो गए। इसलिए बोलता हूँ मेरे को दे दिया करो साथ। हाँ तेको देने का हम लोग के पास बचे ना बचे वो सोचना पड़ता है हम लोग को, इस वजह से तेको देने का मन नहीं करता है। तो बस को थोड़ा गरम कर दे, इंश्योरेंस करवा ले, 25 लाख रुपए डिपॉजिट करवा दे हम लोग। अरे हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, तू डिपॉजिट करवा 25 लाख रुपए, फिर लेके जा, जहाँ लेके जाने का लेके जा, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। तो गाइस बस थोड़ा गाड़ी थोड़ा गर्म हो जाए उसके बाद लेके निकलते हैं। चलो बाबा बी सीटेड प्लीज सीटेड। जब आए थे तभी भी अच्छा खासा एक बिल बना ही दिए थे मम्मी ने, अब मम्मी ने और आयशा ने भी सोच लिया कि लग रहा आज मेरा बिल बना रहे, बात ध्यान रखेंगे कि उससे ज़्यादा बने, आधा पैसा तू देना। हम लोग उसमें कैसा होता है मालूम, हम लोग दोनों में जब मैं अपने घर वाले गया तो अपने चढ़ा चढ़ा के सारा ज्यादा सामान दिलाते, जब अपने जाते हैं तो मैं चढ़ा चढ़ा के ज्यादा सामान दिला। और नुकसान इसमें हम लोग सिर्फ अपना ही करते गाइस, और घर वालों का फायदा हो जाता है, जो चीज नहीं भी लेनी रहती है वो भी चीज घर पे आ जाती है, ऐसा हो जाता है बस, फिर वो चीज यूज हो जाती है। हाँ वो कभी ना कभी यूज होती है, ऐसा रहता है। चलो बहू और सास की दोनों की एंट्री हो रही है, चलो देखते हैं आज लोग क्या करते हैं। चलो सबको आ के आएंगे। हेलो बेबा देखो क्या क्या चाहिए तुमको। हॉर्लिक्स लेने गए, अब बड़े हो गए और बड़े नहीं होने का। अब छोटे होने की है तो बता, है ना वो भी अब एक होने की काम आ जाएगा। दुबले होने गए, भागो कुछ भी करते के गर्म पानी पियो, पुराना नुस्खा नुस्खा नुस्खा। हाँ बेबा तुम क्या ढूंढ रहे हो? चॉकलेट का पैकेट। चलो ठीक है, अपना काम क्या है यहाँ पे? ट्रॉली ट्रॉली लेके सामान बढ़ाना है। हाँ इन लोग तो जो मन करे डाल दो, जो मन करे डाल दो, ये पूरा दिन का ऐसे एक साथ डाल दो या सर एक साथ? तू पैसा देगा तो डाल दे, नहीं बाद में भाई से निकलवाएंगे ना। भाई हम लोग ने क्या क्या सामान लिए क्या क्या नहीं लिए है, मम्मी की बहू ने क्या क्या सामान ले रही है क्या क्या नहीं ले रही है, वो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा। तो अभी ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, हरकत इसलिए लोगों में कहते हैं फोकट्स ब्लॉग, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना, हिट द बेल आइकन।